अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोनोपोली अजारादारी। व्हेन सिंगल सेलर एग्जिस्ट इन द मार्केट एंड देर इज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सेलर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस एज वेल एज आउटपुट, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है अजारादारी। जब एक सिंगल सेलर क्या होता है, मार्केट में मौजूद होता है, ठीक है, और उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट में नेमल, कोई उसकी प्रोडक्ट का कोई नेमल बदल मौजूद नहीं होता, एंड सेलर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द, और सेलर के पास ये पूरी राइट होता है कि वो प्राइस के साथ साथ आउटपुट पैदावार को भी कंट्रोल कर सके, देन तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, मोनोपोली, ठीक है। लेकिन आज के दौर में मोनोपोली बहुत कम है मुल्कों में, ठीक है, क्योंकि अब हर प्रोडक्ट का काफ़ी नेमुल बदल भी है, हर चीज़ अवेलेबल भी है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो वापडा के हम एग्जांपल चलने ले सकते हैं, ठीक है, इसका नेमुल बदल नहीं है, मतलब हम वापडा से हमें बिजली परचेज़ करनी होती है या हम गैस पे प्लांट पे शिफ्ट करें जो भी है, लेकिन मुश्किल है वापडा से हम बिजली परचेज़ कर रहे होते हैं। बेसिस ऑफ मोनोपोली को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑन नंबर वन पॉइंट है ओनरशिप ऑफ स्ट्रेटजी रॉ मटेरियल, ठीक है, जो भी मलकियत होगी, ओनरशिप किसकी होगी, वो जो ज़्यादादार उसकी होगी, और वही सारी हिकमत अमली तय करेगा रॉ मटेरियल के मतलब, मतलब खाम माल कैसे वो हर चीज़, मतलब वो खुद तय करेगा कैसे वो मतलब खाम माल को कैसे कंट्रोल करेगा, वो उसके कंट्रोल पर होता है। एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, ठीक है, और उसके पर खसूसी तौर पे कोई इलम नॉलेज भी होगा कि वो कैसे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे, कैसे वो टेक्निक्स लगाए जिससे उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। पेटेंट राइट फॉर ए प्रोडक्ट और इट्स प्रोग्रेस, ठीक है, उसके पास ये एक मतलब पेटेंट राइट मैंने रजिस्ट्री शू या चीज़ या सनद हक तहफ़ होगा उसके पास, ठीक है, कि वो अपने प्रोडक्ट को तहफ़ दे सके और उसकी प्रोग्रेस उसको कैसे इंप्रूव कर सके, ठीक है। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग भी होगी, उसका गवर्नमेंट के तरफ से लाइसेंस भी होगा, ठीक है। नंबर फिफ्थ पॉइंट, द एग्जिस्टिंग फर्म अडॉप्ट ए लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी विच प्रिवेंट्स द न्यू एंट्री, जो एग्जिस्टिंग फर्म जो मौजूद होगी उसके पास क्या लिमिट होगी प्राइसिंग पॉलिसी की, मतलब वो प्राइस को खुद कंट्रोल करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करता है न्यू एंट्री को, रोक सकता है मार्केट के अंदर आने से। द साइज ऑफ मार्केट मे बी सच एज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्लांट ऑफ ऑप्टीमल साइज, जो साइज़ ऑफ मार्केट का है, ठीक है, वो ज़्यादा एक प्लांट ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, ज़्यादा एक प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है, ताकि वो क्योंकि उसके ऊपर राइट होता है मोनोपोली के पास, जारादार के पास, कि वो अपने आप को कंट्रोल रखें, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं डिमांड एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर ऑफ मोनोपोली, ठीक है। सिंस देयर इज़ ए सिंगल फर्म इन द इंडस्ट्री इन केस ऑफ मोनोपोली, सो द फर्म्स डिमांड कर्व इज़ द इंडस्ट्री डिमांड कर्व एंड हैज़ ए डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक सिंगल फर्म होगी एक इंडस्ट्री के अंदर इन केस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के अंदर ज़्यादातर शो द फर्म डिमांड कर्व क्या होगा, वो होगा इंडस्ट्री जो फर्म का डिमांड कर्व वो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोप होगा। दिस डिमांड कर्व इज़ आल्सो कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट फर्म, तो यही जो डिमांड कर्व होगा इसको हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कह रहे हैं, किसका, मोनोपोलिस्टिक फर्म का। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज़ द हाफ ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व रिगार्डिंग डिस्टेंस फ्राम ओरिजिन, बट स्लोप ऑफ MR इज़ डबल, ठीक है, MR इज़ डबल द डिस्टेंस ऑफ AR कर्व एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। जैसे वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को हम देखते हैं वो हाफ है किसके, एवरेज रेवेन्यू कर्व के, अगर हम रिगार्डिंग डिस्टेंस देखें फ्राम द ओरिजिन, हम इसका रीजन से डिस्टेंस देखते हैं, बट स्लोप ऑफ जो MR कर्व है वो है किस, वो ओरिजिन से ज़्यादा डबल है, द स्लोप ऑफ AR कर्व एज शोन इन, जिसमें हम डायग्राम में शो कर रहे हैं, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व का नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, एक साइड पे हमने वाई एक्सिस पे हमने रेवेन्यू ले रहे हैं और इधर हम क्वांटिटी ले रहे हैं एक्स एक्सिस, मैथमेटिकली स्लोप ऑफ MR जो हमारे पास स्लोप ऑफ MR है इज इक्वल टू डबल द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है। स्लोप ऑफ MR क्या है, वो डबल है द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व पे, ठीक है। यहाँ तो कोई चीज़ नहीं समझ, हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर।